सब्सक्राइब करिए आप ला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, 70वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पे एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को 70वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से 70 साल पहले 1950 में 26 जनवरी को आज के दिन हमारे देश को संविधान मिला था और 1947 को देश आजाद हुआ था। आज समय है हमें अपने शहीदों की कुर्बानी को याद करने का, अपने शहीदों की कुर्बानी को नमन करने का। हमारे देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन वो आजादी आसानी से नहीं मिली थी। उसके लिए हमारे ढेरों लोगों ने शहादत दी थी, बहुत लोग शहीद हुए थे, अपनी जान की कुर्बानी दी थी। शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों की जान की कुर्बानी के बाद हमारे देश को आजादी मिले थी। बाबा साहब अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, चाचा नेहरू ने पूरा जीवन संघर्ष किया था, उसके बाद हमारे देश को कुर्बानी मिली थी। मैं कई बार सोचता हूं उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी, भगत सिंह ने क्यों कुर्बानी दी थी, उन शहीदों का क्या सपना था। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए कि आज अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएं, लेकिन देश की व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहे, देश के अंदर वैसे ही भुखमरी का जीवन जीते रहें, गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आकर बैठ जाएं। दोस्तों, हमारे शहीदों का क्या सपना था, हमारे शहीदों का सपना था एक दिन देश आजाद होगा तो इस देश के अंदर खुशहाली आएगी, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर गरीब आदमी को, मजदूर को पूरी मेहनत की मजदूरी मिलेगी, हर किसान खुशहाल होगा, किसान को पूरी मजदूरी मिलेगी, अपनी फसलों के दाम मिलेंगे। उन्होंने सपना देखा था कि भारतवर्ष एक दिन दुनिया का नंबर वन देश होगा। दोस्तों, मुझे कहते हुए बेहद दुख है कि आज 70 साल के बाद, आज 70 साल के बाद भी उन शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ। मैं कई बार सोचता हूं अगर शहीदों को पता होता हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को पता होता कि आजादी के बाद देश का इस तरह से बेड़ा गर्क किया जाएगा, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या वो शहीद शहादत देते। आज हमारे देश के अंदर अगर एक गरीब घर के अंदर बच्चा पैदा होता है क्या उसको अच्छी शिक्षा मिलती है। हमारे देश के अंदर आज गरीब को छोड़ो, मिडिल क्लास परिवार के अंदर भी अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अपना इलाज कराने के लिए सारी जमा पूंजी खर्च कर देनी पड़ती है। 70
साल के अंदर सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने मिलके देश का बेड़ा गर्क कर दिया दोस्तों। आज 70 साल के बाद क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने शहीदों के सपनों को पूरा किया? नहीं कह सकते दोस्तों। 3-4 साल पहले दिल्ली के लोगों ने इस देश की राजनीति बदली। दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की सरकार बनाई। आज दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वो एक आंदोलन है, वो एक क्रांति है। पिछले 4 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जितने काम हुए हैं, आज 4 साल के बाद मुझे कहते हुए बेहद फख्र है कि आज अगर दिल्ली के अंदर किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे वो गरीब के घर में हो, चाहे वो अमीर के घर में हो, किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उसे अच्छी शिक्षा दी जाती है। आज मुझे कहते हुए बेहद फख्र है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई बीमार होता है, भगवान ना करे कोई बीमार हो, भगवान ना करे, भगवान करे सबके घर में सब लोग स्वस्थ हो, लेकिन आज अगर दिल्ली के घर में किसी के घर में कोई बीमार होता है, चाहे वो कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, चाहे 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़े, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अच्छे से अच्छा ऑपरेशन फ्री में होता है, गरीबों का भी अमीरों का भी। आज मुझे कहते हुए फक्र है दिल्ली के किसानों की, अगर फसल बर्बाद होती है तो दिल्ली सरकार उनका ख्याल रखने के लिए है। दिल्ली के किसानों को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली सरकार देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देती है दोस्तों। आज मुझे कहते हुए फक्र है कि दिल्ली के लोगों को, पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहां दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और सबसे कम दामों में, पूरे देश के अंदर सबसे कम दामों में दिल्ली के अंदर बिजली मिलती है। ढेरों काम किए पिछले 4 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने, ढेरों काम किए 4 साल के अंदर। वो सारे काम किए दोस्तों जो हमारे शहीदों का सपना था, जिसके लिए उन्होंने शहादत दी थी। मैं कई बार सोचता हूं जो काम हम कर रहे हैं ये काम 1950 में हो जाने चाहिए थे, ये काम 1955 में हो जाने चाहिए थे, ये काम 1960 में हो जाने चाहिए थे। मुझे कई बार सोच के बड़ा दुख होता है। सिंगापुर एक छोटा सा देश 1965 में आजाद हुआ, हमारे बाद आजाद हुआ, हमारे 18 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे कहीं आगे बढ़ गया। जापान और जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, नेस्त नाबूद हो गए थे, आज हमसे कहीं आगे बढ़ गए। मैं पूछना चाहता हूं क्या उन देशों के लोग हमसे ज्यादा अच्छे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गए? दोस्तों मुझे लगता है भारत के लोग इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। हमारे देश के लोग जब विदेशों में जाते हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वॉशिंगटन जाते हैं, दुनिया की कोई कंपनी उठा के देख लो, टॉप के ऊपर हमारे देश के लोग बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर जब आते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। इस व्यवस्था को बदलना हम लोगों को, मुझे कहते हुए बेहद दुख है। 4 साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की दिल्ली में राजनीति शुरू की। 70 साल के बाद एक नई उम्मीद जागी देश के अंदर। पूरा देश आज दिल्ली की तरफ देख रहा है, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से दिल्ली के स्कूलों में क्रांति हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बेहद दुख है कि दिल्ली के अंदर जो एक पौधा पैदा हुआ था उसको कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है। कौन कुचल रहा है? मैं कई बार सोचता हूं जब हमारे स्वतंत्रता
सारा सेनानी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जब हमारे शहीद जो हुए हमारे स्वतंत्रता के सिपाही अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हमारे ही बीच के कुछ लोग थे जो देश के साथ गद्दारी करते थे, हमारे बीच के ही कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के पास जाके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सारी बातें बताते थे, हमारे ही बीच के कुछ लोग थे जो अंग्रेजों से मिलके हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को कमजोर किया करते थे। आज भी हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर स्कूल बन रहे हैं, स्कूल बनने से रोका जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाता हूं मैं क्या गलत करता हूं? मैं पूछना चाहता हूं आज गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर, मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं, अगर मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाता हूं इससे बड़ा देशभक्ति का और क्या काम हो सकता है? आज हमें स्कूल बनाने से रोका जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं अपने लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, अगर मैं अपने लोगों के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाता हूं, अगर मैं अपने लोगों के लिए शानदार स्वास्थ्य सेवाएं देता हूं, मॉडर्न इक्विपमेंट देता हूं, मैं क्या गलत करता हूं? मुझे लगता है मैं सबसे बड़ा देशभक्ति का काम करता हूं। आज मुझे मोहल्ला क्लिनिक बनाने से रोका जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, हमने अपने शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया। हमारे देश के जाबाज सिपाही, जाबाज सैनिक बॉर्डर के ऊपर हमारी जाके रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करने के लिए अपने जान की कुर्बानी लगा देते हैं। हमारे दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाही दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। हमने ऐलान किया कि ऐसे सिपाहियों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। हमें सम्मान राशि देने से रोका गया दोस्तों। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है? इसके अंदर राजनीति क्यों होती है? अगर मेरा एक सिपाही, इस देश का कोई सिपाही बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो वो ये नहीं देखता कि वो बीजेपी वालों की जान बचा रहा है कि कांग्रेस वालों की जान बचा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जान बचा रहा है। वो ये देखता है कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो रहा हूं, अपने देश की रक्षा करने के लिए कुर्बान हो रहा हूं। अगर आज मेरी दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए कुर्बान होता है वो ये नहीं देखता कि मैं बीजेपी वाले की जान बचा रहा हूं कि कांग्रेस वाले की जान बचा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले की जान बचा रहा हूं। वो दिल्ली के लोगों की, दिल्ली की महिलाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देता है। ऐसे लोगों को अगर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाए मुझे लगता है सारे देश के अंदर सारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को देनी चाहिए। हमें ऐसा करने से रोका जाता है, ये ठीक काम नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये ठीक काम नहीं है। आज मैं देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूं, भगत सिंह से, अशफाक उल्ला खान से, सुखदेव से, राजगुरु से, चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लें और हर बच्चा, हर युवा अपनी जिंदगी में भगत सिंह बनने की कल्पना करे, अपनी जिंदगी में भगत सिंह बनने का प्रण ले। आज देश आपकी कुर्बानी नहीं मांग रहा, आपको केवल यह करना है कि अपने अंदर देश के लिए कूट कूट के देश प्रेम भरना है, भारत से प्रेम करना है, कट्टर देशभक्त बनना है। लेकिन देशभक्त बनना बड़ा पवित्र काम है। देशभक्त बनने का यह मतलब नहीं है कि इस धर्म के व्यक्ति को मारो या उस धर्म के आदमी को मारो। जिस आदमी के अंदर देश प्रेम भरा होता है उसके अंदर पवित्र भावना होती है, जिस आदमी के अंदर देश प्रेम भरा होता है उसके लिए सबके लिए प्रेम होता है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं
सभी धर्म के लोगों से प्रेम करना, सभी जाति के लोगों से प्रेम करना। आज कसम खा लो कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई आदमी कोई मुसीबत में मिलता है, हमारे देश का कोई देशवासी आपको मुसीबत में मिलता है, अगर कोई इंसान आपको मुसीबत में मिलता है, आप तन मन धन से उसकी सेवा करोगे, आप तन मन धन से उसकी रक्षा करोगे, आप तन मन धन से उसकी सहायता करोगे। अगर कोई महिला कहीं आपको मुसीबत में मिलती है, आप पूरी जान लगा के अपनी जान की बाजी लगा के उस महिला की रक्षा करोगे। दोस्तों, आप दूसरे देशों में चले जाइए, जापान चले जाइए, लंदन चले जाइए और दूसरे देशों में, जिस तरह से कूट कूट के देशभक्ति उनके अंदर भरी हुई है, आज हमें भी उसी किस्म की देशभक्ति अपने युवाओं के अंदर भरनी है। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी कुछ महीनों के बाद दिल्ली के सारे स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में संविधान के ऊपर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को संविधान सिखाया जाएगा, बच्चों को उनके मौलिक अधिकार सिखाए जाएंगे, बच्चों को उनके मौलिक कर्तव्य सिखाए जाएंगे, बच्चों को उनकी देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सिखाई जाएगी। आज हमारे युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है और उसके लिए और बहुत सारे कारण है, हमारी अर्थव्यवस्था कारण है, हमारे कई सारे डिसीशन सरकारी निर्णय उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर कमी। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, एक बच्चा एक युवा बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री लेकर निकलता है और वो नौकरी ढूंढना चालू कर देता है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरी ढूंढने वालों को पैदा करती है, नौकरी देने वालों को पैदा नहीं करती। मुझे इसलिए बड़ी खुशी है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी कुछ महीनों के बाद दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे पहले हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया गया था, जिसमें बच्चों को हर रोज सुबह एक घंटा हैप्पीनेस की क्लासेस सिखाई जाती हैं, ध्यान करना सिखाया जाता है, मेडिटेशन करनी सिखाई जाती है, ऐसे ही अब स्कूलों के अंदर बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाएगी कि स्कूल से कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी मांगनी नहीं है, नौकरी ढूंढनी नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है, अपनी दुकान शुरू करनी है, अपना व्यापार शुरू करना है, अपनी इंडस्ट्री शुरू करनी है, अपना उद्योग शुरू करना है। ये क्लासेस उनको दी जाएगी और मैं मनीष जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे ये भी अपील करूंगा कि आसान लोन देने की प्रक्रिया शुरू करें ताकि हमारे जितने युवा बेरोजगार हैं उन बेरोजगार युवाओं को आसान किस्तों में आसान इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिए जा सकें ताकि वो अपना अपना रोजगार शुरू कर सके, अपना अपना धंधा शुरू कर सके, वो नौकरी देने वाले बने ना कि नौकरी लेने वाले बने। दोस्तों, ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी से चलती है और आम आदमी के लिए काम करती है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर इसके अंदर युवा इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। मैं आज युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि सब लोग जनतंत्र के अंदर और राजनीति के अंदर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, मेरे जीवन का एक ही सपना है, मैं भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस धरती को तब तक नहीं छोड़ के जाने वाला, मैं तब तक नहीं मरने वाला जब तक इस देश को दुनिया का नंबर वन देश ना देख लूं। दोस्तों, भारत माता की, इनकलाब,
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।